चाल तो गाइस स्वागत करते हैं फिर से सनो रन के गेम प्ले के न्यू एपिसोड के अंदर। तो गाइस फिर से लेके आ चुके हैं सनो रन का एक न्यू एपिसोड जिसमें हम क्या क्या लेके आए बता दो भाई साहब। ये थार लेके आया भाई जो हम मेरे को डिलीवर करना आया था भाई साहब। देखो थार की कैसे हालत बना दी आगे से ठोक ठोका के मेरे साहब यहाँ से आगे बैठ चुकी थी मैं ये गाड़ी बिड़ा दी यहाँ पर आके। भाई साहब हमारे पास है रेड कलर की 3 थार और हमारे पास टेलर भी आ गया अपना पर्सनल टेलर जो अपने खेतों में लेके जाएगा जहाँ पर ऑफ रोडिंग करनी है। तो गाइस ये है अपना पर्सनल टेलर। तो भाई साहब थार लेके आ गए 3 थार। तो भाई साहब इसका क्या करेंगे अभी लेके चलते हैं अभी और सारा मैं इसमें कंटेनर में लोड कर लेता हूँ। लोड करने के बाद आप फिर से आपको मिलते हैं कैसे क्या लोड करने का क्योंकि गाइस टाइम लगेगा भाई साहब तीनों को लोड करने में कैसे क्या एडजस्ट करना है इसमें देखते हैं। चलो ठीक है दिखाऊंगा नहीं मैं सेट करके आगे फिर से आपको ट्रक ड्राइव करता हूँ तब मिलते हैं ठीक है। चलो इसको सभी को लोड कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हमने सबने गाड़ियों को लोड कर दिया तीनों गाड़ियों कैसे लोड किया था दिखा देता हूँ भाई साहब। एक नंबर जाता हूँ कैमरे को पीछे लेके जाता हूँ। तो गाइस अभी देखिए कैसे लोड कर रखी है ये अगली गाड़ी दोनों तो एकदम आराम से लोड हो गई। पिछली वाली गाड़ी आधी इस रैम पे अटकी हुई है और रैम को थोड़ा सा ऊपर कर दिया क्योंकि पीछे टच ना हो जाए जो अपने अपनी गाड़ी कैसे का नीचे न जाए क्योंकि गाड़ी आधी मैंने ऊपर चढ़ा रखी है। इसका आधा हिस्सा टायरों इसके अंदर फंसा हुआ है रैम्प के अंदर ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं भाई कैसे क्या रहता है अभी आगे जाने के देख बाद देखते हैं। भाई साहब ट्रक बहुत लंबा है भाई बहुत भारी ट्रक है भाई। देखो चल कैसे रहा है हाई गियर नहीं है इसका ऐसे चलेगा तो आराम से नहीं चलो पीछे रहना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी गिर गई तो भाई साहब बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और मेरे को जाना है उस क्या बोलते हैं वो टावर नहीं है टावर के पास में गाड़ियों को उधर रोकना है जैसे कि वैसे ऊपर टावर है उसके बीचों बीच जैसे कि नीचे इसके सेंटर बीच सेंटर में रोकने का है। और पिछले वाला है शायद मेरे को अगला वाला टास्क फोन आया था कि टेलर के अंदर जो पवन चक्की होती है ना उसका फैन लेके आना है एक पंखा पंखा आता फैन आता ना फैन का एक हिस्सा लेके आना है। इसको लेके चलते हैं ट्रक को भाई साहब। ट्रक इतना धीमे क्यों चल रहा है आराम से चलता है क्या। भाई साहब टर्न एकदम से कैसे ले लिया और इनको कुछ बेल्ट वेल्ट का काम होता तो भाई साहब इसको गाड़ी को अच्छी तरह से बांध देते हैं। और भाई ये तो अटक अटकने वाला है क्योंकि ये 4x4 नहीं ले लिया हमने क्या। ये अटक गया भाई यहीं अटक गया क्या। अरे भाई ऐसे कैसे ट्रेलर ले लिया हमने। विंच की जरूरत पड़ेगी विंच कहाँ पर मिलेगा विंच। ये विंच है इसको कहाँ पर मिल जाएगा ये विंच। अब तो खींच लिया भाई साहब दम तो बहुत है इस ट्रेलर में पर इसका 4x4 नहीं 6x6 ने लिया भाई पीछे। यहाँ पर मेन इस रोड पे जो रोड है हाईवे इसके नीचे उतरते भाई साहब यहाँ पर कीचड़ आ गया एकदम फुल से कीचड़ आ गया भाई। ये बहुत मुश्किल होती है हमें कोई भी तकलीफ पड़ती बहुत तकलीफ पड़ती है। ये यहीं भाई साहब क्या हो गया और क्या अटक गया भाई मेरे हिसाब से 10-12 मिनट का यही वीडियो बन जाएगा क्या। ये यहाँ पर लगा दो चलो भाई भाई ट्रक दूसरा लेना था क्योंकि भाई इस ट्रक में इतना पावर तो है पर 4x4 नहीं है 6x6 नहीं है भाई। देखो ना अब भी ऐसे आराम से चल रहा है इसका टायर स्लिप हो रहा है देखो। अरे भाई क्योंकि इसके पीछे वो रुका हुआ ना मेरे हिसाब से ये नदी पार नहीं होगी इससे ये मेरी गारंटी है लिख के ले लो यहीं अटक जाएगा मेरे हिसाब से। ये लो यहीं अटक गया ये यहाँ पर कीचड़ को इतना ज़्यादा है। बस सुख शांति होगी इसको तो। ये विंच यहाँ का विंच यहाँ पर लगाए चलो भाई ऐसे तो विंच से निकल तो जाएगा। निकल जाएगा विंच से निकल जाएगा पर पीछे वाले को टो करना पड़ेगा। ये टो हो गया
साइड में लगाना पड़ेगा, इस साइड में लगाना, क्योंकि क्योंकि टेलर का मुंह इधर है ना। अभी की बार ये ट्रक नहीं लेके आऊंगा क्योंकि वाइज ये तो यहीं टाइम वेस्ट कर दिया मेरा पूरा। पीछे वाला ट्रेलर तो निकला ही नहीं भाई, क्या करेंगे अभी। अरे निकल जा भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। अब निकलेगा क्योंकि गाइस टोचन थोड़ा टेलर पर अटैच कर दिया ना, तो भी भाई निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है गाइस, तो फाइनल निकल चुका है, कुछ टेलर का कुछ करना पड़ेगा अभी। तो गाइस उधर से हमने नदी से तो निकाल दी गाइस, क्योंकि गाइस इधर तो भाई इतना सारा कीचड़, और नदी के बाहर निकलने के बाद ही भाई टायर स्लिप हो रहे, देखो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है भाई साहब इस ट्रेलर को लेके जाने में। मेरे हिसाब से ट्रक चेंज करना पड़ सकता है मेरे को, तो लोड ही नहीं ले रहा भाई, तो हाई गियर से चल रहा है आराम से, इसका टायर तो ऐसे स्लिप हो रहा है देखो, इतना पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से हमको। हाँ यहाँ तक ही लेके जाना, वहाँ तक ये टावर तो आ चुका है, इस टावर किस जगह के नीचे ये और कीचड़ आ गया भाई। यहाँ से लेके फिर यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो फिर टेलर चेंज कर देंगे हम, पक्का बोल रहा हूँ टेलर पक्का चेंज करूँगा, क्योंकि गाइस गाड़ियाँ बहुत महंगी और इस ट्रक की मदद से निकला नहीं जा रहा भाई, ये तो ऐसा आराम से चला कि यहाँ 2-3 साल से लेके चला जाएंगे इसको। ये भाई साहब बहुत कीचड़ है इधर, बहुत कीचड़ कीचड़ क्या कीचड़ वाला मैप भी तो चल रहा, तो कीचड़ तो होगा ना भाई, इधर रोड में भी बहुत कीचड़, इसके टायर भी चेंज नहीं किया हमने, तो क्या करता हूँ टायर चेंज कर दूंगा इसके। चलो 1 मिनट इसका टायर चेंज कर लेता हूँ, ये गया मैप में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये ठीक है, इसका वाला व्हील ठीक है, चलो इसका सस्पेंस, ये कलर ये चेंज हो गया, चलो ये हो गया। ओ गाइस अब इसका हम पिकअप बना, क्योंकि गाइस इसके टायरों पर चेन लगी, साइडों चेन में अब थोड़ा सा इसको ग्रिप मिल जाएगी, क्योंकि गाइस पहले इसके में ग्रिप नहीं थी, इसके तो टायर एकदम सपाट थे, अभी चल जाएगा आराम से, देखो आराम से भाई साहब, अभी थोड़ा सा इसको ग्रिप मिल गया तो चलने लग गया। हाँ तो हमको इधर पेड़ के पास में लेके जाना है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से लेके चले चले जाएंगे। और वो हमको बुलाया, उसने बोला कि ये थार लेके आ जा, वो बंदा आएगा तो लेके चला जाएगा, हमको बोला यहाँ पर लेके आ जाओ, ठीक है चलो भाई इसको लेके आ गए, अभी कंप्लीट अपना काम फाइनल हो गया यहाँ से। हाँ ये यहीं तक बोला था, इधर साइड में लगा लेता है। चलो गाइस अपना टास्क कंप्लीट हुआ, और इस बंदे को कॉल कर देंगे, बंदे को बोलेंगे भाई आ जा, तेरी लेके आ गए इस सारी थार को, तीनों थार को, और हमको बोल दें भाई साहब हमारे को बोला जैसे कि लेके आ गए, हमको काम दिया सेठ ने तो लेके आ गए, चलो इनको यहाँ पर नीचे उतार देता हूँ और सेठ को फ़ोन कर देते हैं फटाफट।